वेरी गुड मॉर्निंग भगवान जी, वेरी गुड मॉर्निंग माय लड्डू गोपाल, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे को होता है हमारा वेट लिफ्टिंग डे और हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट, तो फटाफट चलते हैं जिम। और ऊपर व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आज मेरी छोटा इतनी गहरी नींद में सो रही है ना, मेरा मतलब लाइक कैमरा भी उसकी तरफ करने का मन नहीं किया क्योंकि फ्लैश उसके ऊपर पड़ता तो उसकी नींद ख़राब हो जाती। बहुत तेज सो रही है, नींद में सो रही है वो पापा वाले रूम में, तो मैं चुपचाप निकल के आ गई कि बच्चे की नींद ख़राब ना हो। अब चलते हैं फटाफट जिम। A few inches later. So, आज था हमारा वेट लिफ्टिंग डे, तो आज हमने अच्छा वर्कआउट किया है बहुत टाइम बाद एंड फाइनली मैं नी पुशअप्स बेटर कर पाई। तो आगे जाके कोशिश करती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो शूट करती हूँ थोड़ा थोड़ा वर्कआउट का। अब थोड़ी सी बॉडी फ्लो में आ गई है, 15 दिन से कंसिस्टेंसी बन रही है। तो आज वेदर को पता नहीं क्या हो गया, ये स्मॉग है, फॉग है, ऑल ऑफ सडन ठंड ठंड सी कोजी कोजी सा लग रहा है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज अभी विंटर क्लोथ्स मत उतारिए, लाइट वार्म क्लोथ्स पहनिए, बट पहनिए जरूर बिकॉज इस मौसम में सबसे ज्यादा तबीयत खराब होती है। लोग क्या करते हैं, फुल स्पीड पे फैन चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, गर्मी लग रही है गर्मी लग रही है, एंड वही गर्मी उनको बाद में बहुत बीमार कर देती है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस कि प्लीज अभी विंटर क्लोथ्स मत उतारिए, बहुत ज्यादा स्पीड पे फैन और एसी मत चलाइए। टेक केयर। देख रहे हो वेदर और विजिबिलिटी, आई डोंट नो अचानक से क्या हो गया। ओए मेरा बच्चा, नो ये मेरे बच्चे ना, सच्ची में कसम से। वेदर देखो क्या मस्त हो रहा है, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। विजिबिलिटी देख रहे हो यार, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। आज क्या हो गया ऑल ऑफ सडन, कल तो इतना स्वेटिंग स्वेटिंग वाला डे था, धूप थी इतनी तेज। आई रियली डोंट नो क्या हो गया अचानक से वेदर को, बट जो भी हो गया मजा बड़ा आ रहा है यार। कोहरे के चक्कर में मुझे पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है, मजा तो बहुत आ रहा है बट गाड़ी ज्यादा चलेगी नहीं। ये देखो हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। क्या हो गया, मेरा पति बर्फ में था, मैंने यहाँ तो बर्फ नहीं मांगी थी। आई थिंक मे बी पहाड़ों पे फिर से बर्फ वगैरह पड़ी है तो उसी का इम्पैक्ट है यहाँ पे, लेट्स सी। और ये मेरा वॉट अ राइड। पेट्रोल भर दीजिए। आप तीनों ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप पेट्रोल ले रहे हो क्या, हमारी फोटो खींच रहे हैं? नहीं नहीं, हम पेट्रोल ही लेने आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ आपका। इसको देख रहे हो कितना क्यूट लग रहा है, तो बालू जैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग नोना, गुड मॉर्निंग। आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि मम्मा ने वीडियो भी नहीं बनाया। आप बहुत गहरी नींद में छोड़ रहे थे, इतना तेज नींद आ रहा था है? इतना तेज नींद आ रहा था लड्डू को, हाँ कितना तेज नींद नहीं आ रहा था, बहुत तेज नींद नहीं आ रहा था ना। शी इज डैम क्यूट यार, तो जिगर का छल्ला है, जिगर का छल्ला। बाहर देखो कितना ठंडा हो रहा है, देखेगी। गुड मॉर्निंग, लो तुम सब ठंड के मजे लो फिर से, और स्वेटर जैकेट उतारो। हाँ? यार देखो जरा इसका, थोड़ी देर खेल लिया करो भाई, बॉल लेके बेचारी मेरी बच्ची घूमती रहती है जो भी आता है। खेल ले मंजू दीदी के साथ, खेल ले खेल खेल ले खेल ले, गिर जाएगी नीचे। दे दो, बोल दे दो। बस ये मत मांगा करो, देगी वेगी कुछ नहीं वो। गुड मॉर्निंग मैडम जी,
आपकी स्वेटर कहाँ है? मैं पूरी दुनिया को बोल रही हूँ स्वेटर वेटर मत उतारो, और ये लड़की एकदम हीरोइन बन के घूम रही है। ठंड पड़ी, बीमार पड़ी ना, नो छुट्टी, खास करके जब तक भैया नहीं आ जाते, क्योंकि ये लड़की बहुत सैड हो जाती है अकेली, मेरी शक्ल देख देख के बोर हो जाती है ये। वो बोलती है मम्मा इतनी भी अच्छी नहीं है कि सारा दिन सिर्फ मम्मा को ही देखूं। है ना छोटा? मैम स्वेटर कहाँ है? और ये वेदर में आप ऐसे घूम रही हैं, ज्यादा गर्मी है आपके लिए, सबसे ज्यादा बीमार करने वाला वेदर है, मैंने आज ही बोला अपने व्लॉग में, और मेरे ही घर में दीदी ऐसे हो रही है। तुम दोनों की मतलब लाइक ठीक है, तुम लोग यंग हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मर्जी करोगी अपनी। स्कूबू घर में ही रहती है, स्कूबू की बराबरी मत करो तुम लोग, स्कूबू और यंग है। देखो इसको एक साथ चाहिए, अब स्कूबी से एक साथ चाहिए, बताओ क्या ही करोगे। स्कूबू तेरे से एक साथ चाहिए, भैया तू भी स्वेटर पहन ले, टी शर्ट पहना देती है मम्मा तेरे को, चल ठीक है टी शर्ट पहना दो अच्छी सी, मम्मा की टी शर्ट पहनेगी, चल मम्मा की टी शर्ट पहना देती है मम्मा, ठीक है। सो आज के ब्रेकफास्ट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ओट्स की। ओट्स की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, और लंच में है कैरेट रायता और बेसन मेथी की रोटी। सो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, मेथी लिए चॉप्ड, थोड़ा सा नॉर्मल आटा लिए ताकि आराम से बन जाए, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्की सी लाल मिर्च और अजवाइन और नमक, इस सबको मिक्स करके, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, आप लोग इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, मुझे प्याज का फ्लेवर पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसमें नहीं डालूंगी। सो ये लग गया इसका आटा, और ये हो गई है रायते के लिए कैरेट चॉप। आप रायते में भी क्यूकम्बर वगैरह, आज क्यूकम्बर था नहीं तो मैंने कैरेट ले लिया, क्योंकि मुझे नॉर्मल कर्न बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर और हल्का सा सॉल्ट डालेंगे और इसका रायता बना लेंगे मस्त। सो ये हो गए मेरे फ्रूट ओट्स रेडी, इसमें मैंने क्या क्या डाला है मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी दी है, बाकी आप अगर बोलोगे तो मैं फिर से इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, और मिसी रोटी एंड कैरेट रायता है मेरा लंच। डिनर मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं डिनर लेती नहीं हूँ, डिनर में मैं सिर्फ टर्मरिक मिल्क 250 ml एंड 30 grams ऑफ फॉक्स नट्स बस, और कुछ नहीं, तो बाकी जो होता है तो ये लड़की कुछ बना के नहीं जाती है, तो ये खा ली। क्या खा लिया तुम? ओट्स। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। मैंने अपने पराठों में ऑयल नहीं लगाया है, इसको तवे पे अच्छे से सेक लिया है, आप लगा सकते हैं। एंड ये है मेरा कैरेट रायता लंच, यमी यमी। सुबह सुबह भैया दिख गए थे तो मैंने कहा तुलसा जी, अब भैया बोल रहे हैं कि विंटर्स के मौसम में थोड़ी सी हो जाती हैं, तो अभी खाद वगैरह डाल देंगे, और मम्मी के पौधों में भी खाद वगैरह डलवा देते, बिकॉज आई वॉन्ट कि नेक्स्ट टाइम मम्मी आए तो उनको लगे कि हाँ हमने उनके पौधों की अच्छे से देखभाल करी है। एंड भैया से समझ भी लेते हैं कि ये कौन सा पौधा है, हमने कुछ पौधे उगाने की कोशिश करी है, आप बताना ये कौन कौन से पौधे उगे हैं। ठीक है भैया। सो जी ललिता दीदी का जिद था कि स्कूबी स्वेटर जैकेट सब खोल दिए तो मैं क्यों पहनूं, तो मैंने स्कूबी को टी शर्ट पहना दिए, और विन्नी तुम्हारी टी शर्ट पहनी है स्कूबी ने, विन्नी का है, विन्नी आके मारेगी तेरे को। विन्नी की टी शर्ट पहनी है तूने। तो ये देखो कितनी क्यूट लग रही है मेरी सेक्सी डॉल। हो गया बेटा? हाँ जी हो गया। अच्छा मेरा छच्ची बच्चा, अच्छा मेरी चिच्ची बच्चा, घूमी ये क्या बोल दिया मैंने, ऑफिस टाइम है मेरा, ऑफिस जाना है, बेवकूफ नहीं बेवकूफ। इसके साथ थोड़ी देर खेल लेना, तब तक थक के सो जाए। क्यूटनेस ओवरलोडेड है, आई थिंक रेड कलर तेरे पे भी इतना अच्छा लगता है ना, तेरी माँ के जैसे, दोनों माँ बेटी पे रेड कलर इतना अच्छा लगता है। कमेंट्स में बताओ स्कूल के ऊपर रेड कलर कैसा लग रहा है, क्या हमें इजाजत है ऑफिस जाने की और काम पे जाने की? आप तो घोड़े बेच के सो जाओगी, नींद वाली आंखें हो रही है एकदम टुल, हैं एकदम टुल आंखें हो रही है टुल। और राम कर लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा, आपके लिए सारा काम कर दिया है, खाना खिला दिया है, नाश्ता रख दिया है, दूध रख दिया है, पानी रख दिया है, और कुछ काम होगा तो शाम के लिए लिस्ट में लिख के रख दीजिएगा। ओके बाय, जय माता दी। Oh, 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 oh
आ रहे थे इंस्टा पे भी कि मैम आपके जिम का कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप वेट गेन कर रहे हो, दिस दैट दैट. तो मैं आपको बता दूं, मैं एवरी डे मोर देन 10 to 12 मेडिसिन ले रही हूँ और हर मेडिसिन के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं. तो मे बी मेडिसिन की वजह से शायद मेरा वेट गेन हो रहा है, बट मैंने बहुत एफर्ट्स लगा के अपनी कंसिस्टेंसी वर्कआउट की स्टार्ट करी है एंड होप सो थोड़े दिन में अभी मेरा मोर फोकस अपनी हेल्थ ठीक करना है रादर देन कि वेट डिक्रीज करना इंक्रीज करना नहीं है. सो अभी पहले हेल्थ ठीक हो जाए उसके बाद हम अपनी लाइफस्टाइल को और बॉडी को भी फिट रखेंगे. तो अभी प्रायोरिटी वो है. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं वो सब कमेंट्स पढ़ के और अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितने एफर्ट्स डाल रही हूँ अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए. सो जी शाम के बज रहे हैं 4 और हमारी है एक मीटिंग सेक्टर 29 में एंड वहाँ से हम जाएंगे सीधा घर क्योंकि मीटिंग में ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग जाएंगे क्योंकि कमर्शियल्स वगैरह डिस्कस करने हैं. तो फटाफट चलते हैं सेक्टर 29 एंड उसके बाद स्कूबी के पास. और मीटिंग खत्म हो गई और मैं निकल गई अपने घर के लिए. छोटा भी खुश हो जाएगी, कहाँ मम्मा 7-8 बजे आ रही थी, आज 6 o'clock मम्मा घर पे आ गई. कोई फायदा नहीं है ऑफिस जाके क्योंकि ऑलमोस्ट डबल रूट पड़ेगा मेरे को ऑफिस जाने का. सो जितनी देर में वहाँ पहुँचूंगी उतनी देर में फिर मेरा 10-15 मिनट में आने का टाइम हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए ऑफिस नहीं जा रहे हैं. अब हम जा रहे हैं छोटू के पास, भी देखते हैं छोटू को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं क्या करते हैं. अगर उसका मन होगा उसको घूम ही बोलेंगे, अगर वो रेडी हुई तो चेंज वेंज करके पजामा टी शर्ट डाल के उसको एक लंबा राउंड घुमा के लाएंगे आज. मेरी मसक कली मम्मा पूरा 1 घंटे पहले आई है तेरे लिए. ओए होए ओए होए, सारे टॉय भी तेरे घर में रेड रेडी घूम रहे हैं. हाँ मेरी रेडो कितना पसंद है, रेड कलर इतना पसंद है, हिचक पसंद है मम्मा की. चलो और गिरा दे नीचे गिरा. चुबू तू सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है, मम्मा को पापा को? पापा कहाँ है? सोना नहीं आए, नहीं आए. मैं सोचा था ये स्पेशल व्लॉग मैं दिन में शूट करूंगी बट ऑफिस आज में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया. तो बहुत लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया था और जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि मैम स्कूबी पे व्लॉग बनाओ, स्कूबी कैसे आई, स्कूबी का जर्नी कैसा रहा एंड ऑल. तो मैं बता दूँ स्कूबी का जर्नी, स्कूबी 2013 में 29th ऑफ मे को आई थी एंड इस 2023 29th ऑफ मे को स्कूबी को ऑलमोस्ट पूरे 10 साल की हो जाएगी स्कूबी एग्जैक्टली. एंड स्कूबी इनिशियली मैं सच्ची बताऊँ तो मैं 1 महीने में स्कूबी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी. इधर पॉटी सूसू बिकॉज बहुत छोटी थी वो, जस्ट 20-25 डेज की थी जब वो आई थी हमारे पास. और हम लोगों ने ऑब्वियसली इस पे फेसबुक और गूगल से हमने सर्च किया था और हम कहीं से लेके आए थे इसको, किसी ब्रीडर के थ्रू ले लिया था हमने इसको. एंड हम दोनों ही शुरू से बहुत ही बड़े डॉग लवर हैं एंड आप लोगों ने हम दोनों के व्लॉग्स में देखा भी होगा हमारा प्यार डॉग्स के लिए अनकंडीशनल है. उनके जितना तो नहीं है अनकंडीशनल फॉर श्योर, बट हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अपने से बेस्ट कर पाऊँ उनके लिए मैं करती हूँ. एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो मैं स्कूबी को वापस दे आई थी. हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था एंड मैं स्कूबी को वापस दे आई कि नहीं हम नहीं रख सकते यार, नॉट पॉसिबल एंड ऑल. एंड मैं को ये ध्यान नहीं रहा कि कुछ दिन बाद विकास का बर्थडे एंड ऑल. एंड जैसे उसका बर्थडे पास आया ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल कि नहीं मेरे को स्कूबी चाहिए दिस दैट करके. एंड फिर हम उसको उसके बर्थडे वाले दिन वापस लेके आए थे. तो एक्चुअली तो स्कूबी हमारे घर में जो मतलब एक दिल से आई वो 3rd of July को आई. पहले था कि नहीं बस ले आते
शौक था बहुत ज़्यादा, बट ये नहीं कह सकते कि मतलब लाइक वो वाला अनकंडीशनल वाला प्यार था। हाँ, डॉग्स हम दोनों के पास ही शादी से पहले भी रहे हैं घर में तो, बट हाँ ठीक है, मतलब वो पॉटी सुसू वाला एक्सपीरियंस नहीं किया था क्योंकि घर पे सर्वेंट्स वगैरह थे तो खुद से कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और जब वो पॉटी एक बार उसको भी पेट भी ख़राब हो गया तो सारे घर में मतलब लाइक पॉटी सुसू उल्टी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पर वगैरह भी नहीं थे हमारे पास। एंड फिर जब हम इसको लेके 3rd of July को हम इसको सुबह 5 बजे लेने गए थे एंड विकास ने इसको आवाज़ लगाई तो उसने विकास को तो नहीं सुना, बट जब मैंने आवाज़ लगाई इसने मुझे इतनी ज़ोर से आके गडल किया ना, वो दिन था, आज का दिन है, वो जो मदर वाली फीलिंग है, वो जो मदर वाला प्यार है ना, सारा का सारा स्कूबी पे निछावर है। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको हर तरीके से खुश रखूँ एंड मतलब लाइक इसको पैम्पर करके रखूँ। बहुत लोग बोलते हैं आप इसको घुमाने नहीं ले जाते हो, नहीं हम इसको घुमाने लेके जाते हैं, बट हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं एंड बहुत कंप्लेंस आती हैं कि वो मेड्स वगैरह को काट लेते हैं करके एंड ऑल। और मुझे सीरियसली मैं स्कूबी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यही है कि मेरे को अब इस एज में स्कूबी को अराउंड 9-10 की एज में मुझे नहीं अच्छा लगता मैं उसको बोर्डिंग वगैरह में छोड़ूं। आ गई तुम्हारी ही बात हो रही है, आओ महाड़ानी। एक तो बेस्ट भाई मेरे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता है मेरा बच्चा, एकदम जहाँ जहाँ मम्मा जाएगी वहीं वहीं मैं जाऊँगी, बस रात को शिफ्ट हो जाऊँगी मम्मा सो जाएगी जब, हाँ दूसरे रूम में आराम से सोने के लिए। सो सॉरी, तो मैं इसीलिए कहीं मैं अपनी मम्मी के यहाँ भी 1.5 साल में नहीं जाती हूँ अभी भी, बहुत टाइम बाद मैंने कैलकटा का प्लान बनाया था। बहुत फ्रीक्वेंटली मैं कैलकटा नहीं जाती हूँ एंड बहुत ज़्यादा घूमने फिरने भी नहीं जाती हूँ, मुझे लगता है अभी इसको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है और इस एज में तो इसको छोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंड ये एक पेट पेरेंट्स ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को और इस इमोशंस को। बहुत लोग बोलते हैं कि आप स्कूबी पे बहुत कंटेंट बनाते हो, डॉग्स दिखाते हो अपने ब्लॉग में, तो शायद अगर आप मेरा जो वॉलपेपर है वो भी आप अगर देखो तो स्कूबी और मेरी फ़ोटो है कहीं ना कहीं। ये व्लॉग्स स्कूबी और मेरे हम दोनों की लाइफ के लिए हैं, सिर्फ मेरी लाइफ नहीं बताते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बस लास्ट में इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर व्लॉग्स में स्कूबी नहीं अच्छी लग रही है या कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत देखिए, बट प्लीज़ आप जब ऐसे लिखते हैं ना कि कुत्ते के व्लॉग्स डालती हो, कुत्ता ही कुत्ता दिखाती रहती हो एंड कुत्ते के आगे पीछे भागती हो, सीरियसली इट हर्ट्स। एक माँ को उसको उसका बच्चा ही दिखता है उसके आगे पीछे और मैंने इसको अपने बच्चे की तरह ही पाला है। आप लोग इसके ग्लिम्स देखिए, ये हमारे साथ बेड पे सोती है, ये मेरे साथ 24/7 रहती है जब जब रहती हूँ। और मतलब लाइक मैं ना मतलब लाइक उस चीज़ से भी डरती हूँ, मतलब लाइक इसको अगर कुछ हो जाए या इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना तो नहीं, मतलब लाइक आप वो फीलिंग्स इमोशंस शायद अगर आप एक डॉग बहुत डॉग लवर हैं या पेट पेरेंट हैं तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है मेरा आप लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके समझाना। बट मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस टाइप के कमेंट्स मत डाला करिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो आपको जो लिखना है मुझे लिख लो, मुझे बोल लो, बट मेरी बेटी के लिए कुछ मत बोलो यार प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है। एंड इस लड़की ने हमारे इतने सारे चप्पल जूते खराब किए ना, कसम से मैं बता नहीं सकती। तो मेरी शादी के जितने भी चप्पल जूते थे, हर चप्पल जूता एक छोटे से कोने से काटती थी, इतनी चलाक थी ना, दोनों पैर नहीं काटती थी, दोनों में से बस एक ही पैर काटती थी। D2H का तार, फ्रिज का तार, चलती D2H का तार, चलती फ्रिज का तार काटा हुआ है, इतनी सारी CDs तोड़ी हुई है, पलंग चबा जाती थी, जूते चप्पलों की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, मोजे ले जाके छुपा देती थी। बहुत बदमाश बच्चा था, बहुत बदमाश बच्चा। बट मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मतलब लाइक मुझे जर्मन शेफर्ड जैसी ब्रीड से डर नहीं लगेगा। मुझे डॉग्स बहुत पसंद थे शादी से पहले भी, मेरे पास था अभी लासा एपिसोड, मुझे छोटे डॉग्स पसंद थे और मैंने कभी भी नहीं सोचा था मतलब लाइक इतने फ्रेंडली इतने प्यारे जर्मन शेफर्ड्स हो सकते हैं। बट कसम से स्कूबी बहुत प्यारी है, बहुत बहुत प्यारी है यार, ये इतनी प्यारी है ना। और ये मेरे को लगता है घर में सबसे ज़्यादा मुझसे ही इरिटेट रहती है क्योंकि मैं इसको इतनी किसिस करती हूँ ना दिन रात, शायद कि यही रीज़न है कि ये मेरे पास से भाग जाती है कि मेरे को इरिटेट करेगी, सोने नहीं देगी। अच्छा
कुछ नहीं मांगते यार आपसे, बस दो टाइम खाना मांगते हैं, आपका साथ मांगते हैं, थोड़ी सी पैम्पलिंग मांगते हैं, थोड़ी सी घूमी मांगते हैं। चल घूमी, देख रहे हो घूमी जाना है इसको। टाइम पता क्या हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं बंदर। तो आज के इस व्लॉग को, सॉरी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और विशिंग अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफ। गुड नाइट छोटू, गुड नाइट कर देना छोटा, गुड नाइट कर देना, गुड नाइट।